पिछले वीडियो में हम लोगों ने ब्रह्मांड के फैलाव के विषय में चर्चा की थी, और मैंने बोला था कि हम लोग थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करते हैं कि इस ब्रह्मांड का फैलाव होता कैसे है। तो यदि आपको आँखों से ब्रह्मांड के फैलाव को देखना है, तो यदि संभव हो तो कम से कम, अगर वहाँ जा नहीं सके तो आप YouTube पे एक टॉपिक सर्च करिएगा। उस टॉपिक का नाम है DANA KILL दाना किल डिप्रेशन। अब ये सब यदि कोई व्यक्ति नहीं जान रहा है तो वो थोड़ा सा अचंभे में पड़ जाएगा कि इसका मतलब होता क्या है। यदि आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में जाते हैं तो आपको एक देश मिलेगा, इथोपिया। इथोपिया के नॉर्थ में एक छोटा सा क्षेत्र है, एक छोटा सा एरिया है, उसी एरिया को कहते हैं दाना किल डिप्रेशन। आप इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि ये एक छोटा सा कॉलोनी टाइप का है, दाना किल डिप्रेशन। और ये जो दाना किल डिप्रेशन एरिया है, पूरे दुनिया में सबसे अधिक गर्मी वहीं पड़ती है। इस टॉपिक को इसलिए भी लिया गया है कि 2022 में हम लोग मार्च अप्रैल महीने में ही देख रहे हैं कि बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है। तो हम लोग को ये भी जानना चाहिए कि पूरे दुनिया में सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है। तो यही इथोपिया का ये क्षेत्र है दाना किल डिप्रेशन, जहाँ सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। तो इस टॉपिक को समझने से हमें दो चीज़ की जानकारी होगी, सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, और दूसरा कि ब्रह्मांड का प्रसार एक्सपेंशन होता कैसे है। तो ये जो ये है क्या, ये एक एरिया है, एक क्षेत्र है, किस एक देश में पड़ता है, इथोपिया में। इथोपिया में और इसी इथोपिया में ये एरिया है दाना किल डिप्रेशन। अब यहाँ पे क्या है कि पूरे दुनिया में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, लेकिन किस तरह, एवरेज टेम्परेचर यदि आप ईयरली देखिएगा तो यहाँ पे लगभग 35 डिग्री सेल्सियस यहाँ का पूरे साल का एक औसत तापमान है, और औसत तापमान के अनुसार ये दाना किल डिप्रेशन एरिया जो है पूरे दुनिया में सबसे अधिक गर्म क्षेत्र माना जाता है। तो औसत टेम्परेचर की जब बात की जाएगी तो सबसे अधिक गर्म एरिया इथोपिया का यही दाना किल डिप्रेशन होगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे इतनी अधिक गर्मी है क्यों। तो मान लिया जाए कि यहाँ पे ये दाना किल डिप्रेशन है, तो यहाँ पे चट्टान है जिसके ऊपर कोई क्षेत्र रहता है, तो इसके नीचे क्या है, इसके नीचे लावा है और इसके नीचे आग लगा हुआ है। यानी कि जो दाना किल डिप्रेशन का जो क्षेत्र है उसके जमीन के नीचे आग लगा हुआ है, और यहाँ पे लावा रोज निकलता रहता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है और ज्वालामुखी विस्फोट से ये लावा निकलता रहता है। हम लोग जानते हैं कि जब ये मैटर जमीन के नीचे होता है तो इसे मैग्मा कहते हैं, और जब जमीन से बाहर निकल जाता है तो उसे लावा कहते हैं। तो ये जो लावा का विस्फोट है इस दाना किल डिप्रेशन से नित्य प्रतिदिन होता रहता है, लावा की नदियां तक बन जाती हैं। दूसरा, यहाँ पे जमीन से फट के आग भी निकलता रहता है। तो ये लावा, ये आग, इस आग का राख, धुआं इस पूरे एरिया को एक गर्म प्रदेश में तब्दील कर देता है। लेकिन यहाँ भी, इस क्षेत्र में भी एक समुदाय है, अफरा या अफारा समुदाय, इस अफारा क्षेत्र में एक समुदाय रहती है, अफारा समुदाय। ये अफारा समुदाय यहाँ पे निवास करती है, और इसी क्षेत्र का नाम है अफारा क्षेत्र भी इसे कहते हैं। यहाँ पे गर्मी पड़ने का विशेष कारण है
जमीन से फट के लावा निकलना और लावा की नदियां बन जाना और आग निकलना। साथ में हम जो देखते हैं कि जब ये लावा निकलता है बाहर की ओर और जब ये ठंडा होता है तो लावा का बड़ा बड़ा आप देखिएगा कि वहाँ पे पहाड़ बन जाता है, और वहाँ की जो ये समुदाय है अफारा समुदाय, उनके पास न पीने के लिए जल होता है, न खाने के लिए आपको वहाँ पे फल है, न सब्जियाँ हैं। उनके व्यवसाय का मुख्य साधन यदि कोई है तो केवल और केवल नमक है, क्योंकि आज से 40,000 साल पहले लाल सागर कभी यहाँ पे था और 40,000 साल के बाद लाल सागर यहाँ पे सूख गया, और सूखने के बाद उस लाल सागर का जो नमक है चारों तरफ इस एरिया में फैला हुआ है। तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पे देखें कि लाल सागर के बारे में, यानी कि रेड सी के बारे में, यानी कि आज से 40,000 साल पहले इस एरिया में लाल सागर था, लेकिन लाल सागर उसको छोड़ दिया। यही है ब्रह्मांड का फैलाव, ब्रह्मांड का बदलना। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी भी ब्रह्मांड का एक पार्ट है, तो आज हम लोग जहाँ पे हैं हो सकता है कभी वहाँ पे समुद्र रहा हो, या हो सकता है कि वहाँ पे कभी पहाड़ रहा हो। हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे आज हिमालय है वहाँ पे कभी टेथिस सागर हुआ करता था, लेकिन आज वो टेथिस सागर हम लोग को नहीं दिखता है। आज भारत में जो रेगिस्तानी एरिया है वहाँ पे कभी अरब सागर था। उसके प्रमाण ये मिलते हैं कि अगर उसके ज़मीन को अगर खोदा जाता है तो बहुत सारे मछलियों का कंकाल मिलता है। ये प्रमाण है कि वहाँ पे कभी अरब सागर था। यही ब्रह्मांड का परिवर्तन है, ब्रह्मांड का फैलना है। तो इस दानाकिल डिप्रेशन से हम लोग दो चीज जाने कि यहाँ पे गर्मी क्यों है। गर्मी लावा के कारण है, गर्मी आग निकलने के कारण है। इस एरिया की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से नमक पे निर्भर है। यहाँ के लोग यदि अन्य लोगों से कुछ मांगते हैं तो वो पानी पीने के लिए मांगते हैं। वहाँ पे बस एक नदी है जिसे समुद्र तक पहुँचने का समय ही नहीं मिलता। कभी कभी जब बारिश के समय बारिश होती है तो वो नदी एक मौसमी नदी के रूप में बनती है और फिर वो पूरी तरह से सूख जाती है। और इसका जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से नमक के व्यापार पर निर्भर करता है। तो ये दानाकिल डिप्रेशन है। आज हम लोग ये देख रहे हैं कि मई में, अप्रैल में और मार्च के ही महीने में पूरे भारत में गर्मी पड़ रही है, और पेपर में निकला है कि पूरे भारत में पटना में भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो इसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि जो सरकार है अपनी सरकारी इमारतों को या निजी इमारतों में भी सीमेंट के ईंटे के प्रयोग पे विशेष बल दे रही है, यानी कि फ्लाई ऐश ब्रिक जो है उसका प्रयोग सरकार काफ़ी कर रही है, और फ्लाई ऐश ईटा जो है इस गर्मी को बढ़ाने में मदद कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि मान लिया जाए कि मान लीजिए कि ए ब्रिक है जो मिट्टी का बना है, सॉइल का बना है, और एक सी ब्रिक है जो सीमेंट का बना है अर्थात फ्लाई ऐश का बना है। हम लोग को पता है कि जो मिट्टी है वो गर्मी में हम लोग को ज़्यादा गर्मी नहीं होने देती है और ठंड में ज़्यादा ठंड की अनुभूति होने नहीं देती, जबकि सीमेंट जो है गर्मी में बहुत अधिक तप जाता है। सीमेंट का ये क्वालिटी है कि गर्मी को बहुत अधिक सोखता है। यही कारण है कि विशेष रूप से पटना में आप जो देखिएगा ये जो सरकारी इमारतें हैं और निजी प्रयोग में भी अब फ्लाई ऐश ईंटों का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, और यही जो फ्लाई ऐश ईंटें हैं एक नॉर्मल टेम्परेचर से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अधिक कर दे रहा है, जिससे कि पटना और अन्य जगहों में जो शहर हैं वो गर्मी की भट्टी में तब्दील होती जा रही हैं। तो आज का टॉपिक जो हम एक टॉपिक को 2-3 चीज़ों से जोड़े हैं उसे फिर से बता देते हैं कि ब्रह्मांड का फैलाव आज भी जारी है। हम लोग देखते हैं जहाँ समुद्र है वहाँ पे आज पहाड़ हो गया है, कभी लाल सागर जहाँ पे था वहाँ पे आज लाल सागर नहीं है,
इस दानाकिल डिप्रेशन एरिया से हम लोगों ने देखा कि वहाँ इतनी अधिक गर्मी क्यों है और वो पूरे दुनिया का सबसे अधिक गर्म स्थान क्यों है। आखिर क्या कारण है कि हम लोग को इस साल महंगाई के साथ साथ गर्मी भी आंखों से बढ़ती हुई दिख रही है। पहले दो चार पाँच सालों पहले हम लोग सुनते थे कि गर्मी बढ़ रही है या महंगाई अर्थात इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लेकिन इस बार ऐसी अनुभूति हो रही है कि हम लोग को आंखों से महंगाई बढ़ती दिख भी रही है और आंखों से गर्मी भी बढ़ती दिख रही, जबकि ये दोनों चीज़ें अमूर्त चीज़ें जो आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन जिस अनुपात में ये दोनों बढ़ रहा है हम लोग के आंखों के सामने पूरी तरह से चीज़ें अस्पष्ट हैं। तो आज का जो टॉपिक है यहीं पे है। अब हम लोग अगले टॉपिक में ब्रह्मांड के चीज़ों को और आगे लेके जाएंगे, आकाशगंगा को देखेंगे, अन्य ग्रहों के विषय में जाने के। तब तक के लिए धन्यवाद।